वेलकम टू द द्लाइटेड पॉडकास्ट होस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय बैकवर्ड पॉइंट मेरा नाम है नजर सैयद और मैं हूं बशार और आज के हमारे अल्ट्रा स्पेशल गेस्ट ऐसे गेस्ट जो इससे पहले कभी किसी पॉडकास्ट पे नहीं आए हैं वाज नसीम शाह नसीम लिली शाह से हमने बात की उनकी जर्नी के बारे में लोअर दीर से लेके लाहौर तक फिर पाकिस्तान ड्राइटी पाकिस्तान का डेब्यू मोस्ट uh, रीसेंटली उनकी जो इंजरी हुई है उनकी क्या फीलिंग्स हुई वर्ल्ड कप मिस करने पे और क्या वो इस सीज़न इस्लामाबाद के लिए फ़िट हैं या नहीं है ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस ही वेंट इन डिटेल अबाउट ऑल द स्टोरीज दैट ही हैड एंड आई हाईली रिकमेंड यू चेक आउट द होल पॉडकास्ट ऑल द वे दू देंड रिलैक्स

और उसके अलावा क्या था एक एक सवाल पूछा करें याद रहेगा ठीक है डन कहा आपकी इंजरी कैसी है आप तो अच्छा इंजरी कैसी अलमदिल्ला बिल्कुल ठीक है शोल्डर कैसा आपका और शोल्डर भी अलहमदिल्ला ए वन है बाकी, बाकी अब देखिए बाकी इनशाला आप लोग पी में देखेंगे तो यही कह सकता हूँ कि फिटनेस जबरदस्त जा रही है तो बस पी में मुलाकात होगी इनशाला पी एस एल में ओपनिंग करने का इरादा तो नहीं है क्योंकि कल नेट पे तो बॉलिंग तो नहीं कराई थी आपने यार नहीं ओपनर्स है ओपनर्स है तो तो हमारे पास है, बाकी आ, बॉलिंग का है तो बॉलिंग करेंगे। बाकी तो सीरीज को बताऊं पुराने दर्द क्यों ताजा कर रहे हो यार मुश्किल होता है वो भी सी बात है कोई भी कोई भी एथलीट हो प्लेयर हो किसी भी स्पोर्ट से हो और ड्रीम हो उसका कि यार अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलना वो मिस हो जाए और फिर ओबीसी बी सी बात है, है में आपका टफ टाइम होता है और आप मैच भी देखते हो आप खेल भी नहीं सकते हो उसी ग्राउंड में जिसमें आपने खेलना होता है लेकिन आई बिलीव के अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें आती है तो उसके लिए हमेशा मैं तैयार होता हूँ क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि बंदा बहुत मायूस हो जाता है और मायूसी गुनाह है कि आ, मैं ये सोचता था कि यार ठीक है मेरा ड्रीम था सारी चीज़ें थी अच्छी जा रही थी दो साल अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कराए बहुत खुशियाँ भी दी अब अचानक से एक, एक टाइम आया कि यार मुश्किल है तो ये भी चैलेंज है ये भी सब्र का इम्तिहान है हर चीज़ का है तो कर लो तो ऑब्वियसली तकलीफ तो बहुत हुआ कि मैं वर्ल्ड कप अपने आंखों से देख रहा हूँ मैं नहीं खेल सका लेकिन आ, सेहत हो तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप्स आएंगे किसी मैच में आपको ऐसा लगा यार काश में अगर यहाँ पे होता तो ऐसी बॉलिंग करता कर है देखिए अपने बारे में कभी आप नहीं कह सकते कि यार मैं ये होता तो ये कर लेता हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हो कि हाँ मैं अपनी कोशिश कर सकता था और आ, मैं जब भी खेलता हूँ क्लब का मैच हो या वो इंटरनेशनल मैच हो मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ कि मैं टीम को जितवा सकूँ और आ, मेरे हाथ में यही है एफर्ट करना और अपने यू नो दिमाग यूज़ करना अच्छी तरह वो दो चीज़ें मैं करता हूँ बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि मैं होता तो जीत जाते क्योंकि वो भी बेस्ट प्लेयर है जो टीम में अकेले होते हैं इंटरनेशनल टीम है कोई क्लब का टीम नहीं है जहाँ पे प्लेयर पूरा टेस्ट होके वहाँ पे जाता है तो वो बेस्ट प्लेयर थे वो अपनी तरफ से ट्राई किए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही जितना हम एक्सपेक्ट करते थे लेकिन यू नो दे ट्राई दर बेस्ट थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बात करें लोअर दीर साहब का ताल्लुक है लोअर दीर से लाहौर आने का सफर क्या क्या स्ट्रगल्स देखे आपने अपने करियर में शुरू में तो आपको नहीं पता <laughs> आप जाना चाह रहे आपकी से <laughs> यार लोर दीर से सफ़र ऐसे ही था कि बस क्रिकेट से स्टार्ट की है घर में जैसे सब खेलते हैं बच्चे खेलते हैं तो हम भी खेलते थे हमें थोड़ी पता था कि घर से बाहर भी खेलेंगे फिर घर से बाहर के लिए टेप बॉल के मैच <laughs> आ तो टेप बॉल मैच खेलते थे वो भी चुपके जाते थे बहुत दफ़ा मैंने ये बात कही ये बार बार आप इंटरव्यू में अपनी स्टोरी सुनाते तो मुश्किल भी हो जाता है लेकिन ये था कि अबू मना करते थे और हम चुप के जाते थे आपको पता तो है कि जिसके खून में दौड़ रो क्रिकेट तो हमें नहीं पता था कि यार प्रोफेशनली खेलना है बस खेलना है शौक़ था क्लास में भी होते थे तो ये था कि यार जल्दी से क्लास मुक जाए थे क्रिकेट के लिए <laughs> तो ये था और फिर वही से कुछ लोगों को जो क्रिकेट की समझते हैं उन्हें बोला कि यार आप तेज़ बॉलिंग करते अच्छा करते हो आप अच्छी अकेडमी में एडमिशन मैंने कहा अच्छा जी मुझे तो नहीं पता था तो ये था फिर वही से लाहौर एक साल के लिए एक दो साल के लिए ट्राई का टाइम दो बड़े मुश्किल से अबू जी अब्बू से इजाज़त दिलवाई है बड़े भाई ने और एक मेरे खालू थे उन्होंने कोशिश की कि यार किसी तरह कन्विंस करो कि ये लाहौर जाएं आप ट्राई करो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा अब कहें भाई अंग्रेज़ों का खेल है इनका काम नहीं है ये ये पहाड़ों से इधर उधर से ये क्या कहलेगा यहाँ से ये ठीक है इधर इसको पढ़ ले तो कुछ ना कुछ सीख लेगा और पढ़ाई तो मुझे इतनी पसंद थी इतनी पसंद थी <laughs> क्या बताऊँ दिन रात पढ़ाई दिन रात पढ़ाई तो मेरा भी था कि यार किसी तरह अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो ट्राई कर लेता हूँ तो फिर आकर लाहौर में प्रोफेशनल एकेडमी से आगाज़ किया अब्दुल कादिर एकेडमी वहाँ पे पता नहीं बारह तेरह साल जितने साल का भी तब वही पर मैंने पहला बॉल किया तो ये मेरी आवाज थी बाकी लंबी जर्नी है आप सब लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा ऑफ़ कोर्स हमने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया आपके कि है आपके ऊपर हमें ऐसा-ऐसा खत्म मैंने सुना था, कि आप था आपको उर्दू भी आती थी सच बात है यार ऑबिस सी बात है अगर एक गोरे को आप पाकिस्तान भेज देते हो तो उसको उर्दू में थोड़ी मुश्किल तो थो होगी हमारे साथ किसने उर्दू बोली थी के पी के दीर में और पढ़ाई का जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था तो आप तो उर्दू वैसे ही मेरी नो तो उर्दू मुझे नहीं आती थी यार थोड़े बहुत दिए था कि ठीक है समझ आती थी कि बोल क्या रहे सम टाइम नहीं भी आती थी और लाहौर में तो ज़्यादातर पंजाबी भी चलती तो वो तो खैर बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी लेकिन उर्दू जो थोड़ी बहुत समझ आती थी फिर मैं हॉस्टल में रहा तो हॉस्टल में जो आपको पता है कि जो हॉस्टल में रहता वो अच्छा खासा यू नो सीख उनके साथ रहे हाँ वो हॉस्टल में तो दो रास्ते होते हैं अब तो आप गलत तरफ जाते हो और या आप सही रास्ते पे चलते हो क्योंकि मुश्किल होता है फैमिली से भी दूर हो कोई बंदा आपको देख नहीं सकता कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि माँ बाप के दुआएं होते हैं और मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि आपको अच्छी कंपनी कहीं पर भी मिले या तो ये आपके माँ बाप की दुआएं हैं कि आपको अच्छी कंपनी मिले हमेशा लोग बात करते हैं कि कंपनी से इंसान जो है ना कह रहे कि आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हो तो कंपनी से आपका पता चल जाता है और अल्लाह ताला ने मुझे आ, मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्रेडिट जाते कि मैं इतना अच्छे इंसानों को मुझे हमेशा अच्छी कंपनी मिली लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसी जगहों पे अच्छी कंपनी दी जिनके वजह से मैं ख़ुद बचा बचाऊँ शायद हो सकता मैं इतना कमज़ोर था या चीज़ों की समझ नहीं थी लेकिन कंपनी अल्लाह ने ऐसी दी है कि हाँ उन चीज़ों से बचाए अच्छे लोग अल्लाह ने हाथों में दिए सिर्फ माँ बाप की दुआएँ थी क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बच्चा हमेशा सेफ हो कुछ अच्छा करे तो वो हॉस्टल में मुझे अच्छी कंपनी मिली और मुश्किल होता है तो फिर आहिस्ता उर्दू सीख ली और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख ली लाहौर की चलाकियाँ लाहौर के यू नो चीज़ें अंदर से मैं यू नो सख्त वाला पठानूँ लेकिन यह कि चलाकियाँ थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है आप बिल्कुल सीधे होते हो एक आप कैपी के एक धीरे पहाड़ों से एक बचा आता है वो यू नो उसको बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती और एक लाहौर में बड़ा हो उसने सारे में हर चीज़ देखी हो तो वो डिफरेंट होता है तो उसके अंदर आता तो वो चीजें सीख ली तो वो चीजे कैसी और भी सी है आपको दचके दुचके पढ़ते हैं तो मेरा अब आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो और वही लाइफ ऐसे ही है तो आपके अबू को कब रियलाइज हुआ कि यार मतलब वो मोमेंट क्या था पाकिस्तान टीम में नाम था या डेब्यू था आपके अबू ने कहा कि यार ये बंदा जो ना अब क्रिकेट के लिए डन हो गया यार मेरे अब्बू को तो अभी भी नहीं पता कि हंड्रेड परसेंट है कि नहीं है हंड्रेड परसेंट ये डन है अभी भी क्रिकेट के लिए कि नहीं क्योंकि अबू को आहिस्ता आहिस्ता मैंने आ, मतलब मैं अब जो दोनों भाई अभी खेलते हैं तो मेरे बड़े भाइयों को उनको भी इतनी ज्यादा क्रिकेट की समझ नहीं है बस इतनी समझ है कि भाई आउट कर दो और ये नहीं पता आउट कैसे करो और बस जब भी जाओ मैच खेलने के बाद तो कहते हैं बस यार ये बूट पे मारना था यार इसको सर पे मारना था तो वो सुकून से घर बैठ के मैच देख रहे होते तो उनको क्या कि यार यू नो कैसे कितना मुश्किल होता है क्राउड होता है गर्मी होती है आपको यू नो खून दौड़ होता है अंदर बड़ी चीजें होती है अंदर उनको क्या पता होता तो अबू भी।, भी चले आओ यार पर इमोशनली बातें हो रही है <coughs> तो अबू को <coughs> क्रिकेट की आ, मतलब तब इतनी नी आ, थी सम, अब थोड़ी बहुत मतलब इतनी समझ है कि यार हाँ कोई बता दे इन्होंने आउट की या मैच देखते पता चले कौन जीता है या किसने अच्छा किया है तो वो ज़ाहिर है वो कमेंटेटर या जो भी बोल लेते कि यार ने आउट किया या अच्छा किया तो तभी उनको पता चल जाता है तो अभी आई थिंक उनको थोड़ी बहुत समझ है कि यार मेरा बेटा खेल रहे बस यही है अभी तो दोनों नीचे वाले भी आ गए हैं खेलने के लिए तो बहुत टेंशन में होंगे यार ये चलेगा नहीं चलेगा ये सारा मामला यार उनको तो मुझे अच्छी तरह याद है जो है मेरे मेरे देखो एक खेल रहा आप लोग को क्या आप लोग भी ये कोई है तो उबैद ने कहा कि उबैद को अबू ने कहा कि एक साल ले लो एक साल में कुछ बना तो बना नहीं तो नहीं तो उबैद तो मेरा भाई है फिर पढ़ाई में तो पढ़ाई तो उसको भी बड़ा शौक था अच्छा ये नहीं था कि हम नलायक थे लायक नहीं थे लेकिन पढ़ाई का शौक़ नहीं था मतलब लेजी थे बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ था तो वो मेरे ख्याल से उबैद ने मेहनत इसलिए की कि ताकि अगर एक साल में फेल होगा हो गया क्रिकेट में तो इसका मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी तो उस वजह से उसने मेहनत डबल की <laughs> वो, अगर वो वाला वो, वो वाला केस ना होता कि यार चलो आप अगर आप फेल हो गए क्रिकेट में तो कुछ और कर लोगे पढ़ोगे नहीं तो हो सकता इतनी मेहनत ना करता <laughs> लेकिन इससे वो पढ़ाई का सोचता था कि पढ़ाई करनी है तो उसने डबल मेहनत की है तो फिर एक साल में वो अंडर सिक्सटीन वगैरह में सेलेक्ट हो गया तो फिर अब उन्हें कहा कि चलो हूं भी जाओ फिर आपके भाइयों को भी आपकी तरह इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी आप क्योंकि आप इतनी कर चुके थे स्ट्रगल आपने एक पाथ पे निकाल लिया था लाहौर आके कि उनको थोड़ी क्रिकेट आसान हो गई आपके मुकाबले में ऐसे ही है देखिए आसान तो उनके लिए नहीं हो सकती ग्राउंड में तो उन्हें खेलना होता है ठीक है हाँ आसान आप इस लिहाज से कह सकते हो कि यार एक एक रास्ता मिल जाता है एक जरिया बन जाते हो आपके यार अगर ये जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ मेरे साथ छोटी जब घर में क्रिकेट खेलते थे तो डबल विकेट मैच होता था तो कभी वो जीते थे कभी मैं जीता था तो उनको तब वो भी जहन में होता होगा कि यार ये भी तो वही था ये भी ऐसे गया तो हम यूँ नहीं जा सकते तो ये बिलीव की बात होती है और की बात है फिर आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है लेकिन ग्राउंड में आपको खुद खेलना पड़ता है वो रास्ता आपके लिए कोई नहीं निकाल सकता सारी दुनिया आपको देखते हैं लाइव टीवी पे मैच है कोई एक एक चीज़ आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है वैसे कोई चीज़ नहीं चुपती तो वो चीज़ आपके अपने ऊपर है आप परफॉर्म करोगे तो आप होंगे नहीं हो तो नहीं तो कोई वो वाला रास्ता आसान नहीं है हाँ एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे गया मेरा हार्डवर्क मेरी चीजें उन्होंने देखी है अपने आंखों के सामने तो उनको हाँ ये एक एक चीज़ मिली इंटरनेशनल लेवल पे इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़नी है तो वो थोड़ा सा रास्ता जो यू you नो know, एक ऐसे बंदे को नहीं पता होता जो जिनका भाई या कुछ नहीं खेल रहा होता लेकिन उनको ये पता भाई इसकी रूटीन क्या है सोने उठने की एटीट्यूड क्या है एक फास्ट बॉलर का एटीट्यूड क्या होता है वो चीज़ उनको मिली है बाकी मेहनत और ग्राउंड में खेलना उन्होंने तो रियान भाई एक बड़ी अच्छी स्टोरी पॉडकास्ट पे पहले क्या आप नहीं चाहते थे कि आपके भाई में आए यार देखिए पता क्या है आप आ, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये, ये रही है ऐसी क्योंकि आप एक एक बंदे को जाके नहीं समझा सकते हो हर बंदे का ना अपना माइंडसेट होता है और उस हिसाब से वो बोल देता है कुछ भी और जो इंसान कहते हैं कि यार मुझे गालियां भी दो मुझे असर नहीं पड़ता तो वो गलत बात है अगर आप नेगेटिविटी में जितना ज्यादा होते होंगे कहीं ना कहीं आप असर करते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए एक बात करता हूँ कि यार अगर यूनाइटेड में वो आते हैं तो मेरे से ये सवाल अभी से स्टार्ट हुए कि यार आपका तो नहीं था इसमें कोई प्लान मैं तो उस ड्रॉप में उस टाइम चला गया जिन्होंने सेलेक्ट किया और मैं इस चीज़ का इसलिए ख़िलाफ़ था कि बाकी टीम्स ले रहे हैं तो लेने दो ताकि ये हो यार ये तो बात ना हो एटलीस्ट क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो मैं ये बात करता हूँ कि यार ना मैं तो सिलेक्टर हूँ ना मैं टीम का कोच हूँ और ना मैं मेरा खुद पहला साल है अभी आया हूँ तो यार उनको खेलने दो और वो जो कोचेज ने डिसाइड किया या उन्होंने डिसाइड किया उस हिसाब से लिया हो तो मैंने ये बात की कि यार परफॉर्मेंस वो करें वो आए वो ना करे परफॉर्मेंस का क्रेडिट भी उनको दो ना करे तब भी मेरा नाम नहीं नजीम ना, का भाई ने नहीं, नहीं किया <laughs> उन्हीं को तो वो कि वो कर रहे वो जिसने मैंने कोच से खुद पूछा कि आपने जिस प्लेन के साथ सेलेक्ट किया होगा मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि आपने ये क्यों लिए <laughs> पर एक होता है आपको कि यार ठीक है अगर वो यू नो इधर उधर भी हो जाते

परफॉर्मेंस तो अच्छी थी अभी वो बहुत सारी चीज़ें अभी वो सीख रहा हो अभी सी बात है अभी यंग है अभी अंडर नाइनटीन पहला साल था उसका इंटरनेशनल सतह पर खेलना तो यार मेरी उनसे जब भी बात होती है मैं जैसे आपको पहली भी बात की कि उन्होंने मेरी वो चीज़ें अपने आंखों से देखी हुई कि ये क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं उनको क्रिकेट से हटकर जो चीज़ें होती है कि यार अभी आप लोग उन्हें जिस तरह मैं जिस स्टेज पे हूँ आपने उस स्टेज पे अपनी आया नहीं अभी तो वो बचकाना वाला माइंड अभी रखना ही है कि यार अभी तो पागलों की तरह मेहनत करना मैं भी करता हूँ लेकिन आप एक स्टेज से आप गुजर जाते हो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होता है कि यार आप हाउ टू मैनेज बट उनको मैं ये कहता हूँ कि यार देखो छोटी छोटी सी बात आप लोग कुछ भी करोगे ना पहला नाम मेरा यूज़ होना ठीक है और वो ये होता है कि यार अगर कोई डिसिप्लिन का मसला आएगा या किसी भी चीज़ का मसला आएगा मैच से हट के जो जो चीज़ें भी होती है मेरी कोशिश होती है मैं उनके बैठ से ये चीज़ें करूँ कि यार ये करो बाकी परफॉर्मेंस होना ना होना वो आप लोग की हार्डवर्क वो आप लोग के नो क्रिकेट की चीज़ें हैं वो जो जितना मैं आपको बता सकता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बताऊँगा लेकिन इन चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर मैं अपने कैरियर में अपने आप को इस तरह लेके चलता हूँ कि यार क्रिकेट में परफॉर्मेंस होना ना होना लोग बाद में इसी लेकिन आपके बाकी चीज़ें सेट होना तो वो आपके लिए खुद सेटिस्फाइड होते हो कि यार मेरे मेरे मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे अफसोस हो कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए नहीं। बाकी परफॉर्मेंस का तो बी सी बात है वो तो किसी को भी अफसोस होता है नहीं करता <laughs> वो एक टाइम के लिए होता है एक आधा दिन फिर खत्म हो जाता है सही बात यू द बॉलर टू टेक इन टेस्ट इसके बारे में यार आ, इसके तो पहले एक फनी स्टोरी बताऊंगा वो ये थी कि मैं दो महीने उनको क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं है तो एक तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ओबीसी बात है आप टेस्ट में हैट्रिक करते हो तो यू नो बहुत फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता है और बहुत ज़्यादा आप खुश होते हो तो सबसे पहले आप फैमिली से ही बात करते हो कि यार उनको ना कितनी खुशी होगी तो मेरी बहन के मुझे कॉल आई कि यार उनको किसी बच्चे ने बताया होगा कि यार नसीम ने मैट्रिक की तो उन्होंने बोला कि यार मैट्रिक तो उन्होंने पहले भी <laughs> किया <बच्या> था <laughs> ये दोबारा कौन सा मैट्रिक किया है तो मुझे हंसी भी आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो कितनी बड़ी बात होती है हैट्रिक का ना तो फिर मैंने उनको बोला कि यार इस तरह होता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप यू नो मैं दुनिया का यंगेस्ट प्लेयर हो जो मैंने हैट्रिक किया है तो ये क्रिकेट में होता है और इस तरह आप तीन बॉलों पे तीन आउट करते हो तो इसको हैट्रिक आ जाता है यार। तो उनको ये भी नहीं पता होता ये आउट होता क्या है और ये वो बस जीत हार का पता है मतलब तो कुछ बताए कि यार कौन जीता कौन हारा ये पता है तो वो ओबियसली बात है मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट था कि यंगेस्ट यू नो हैट्रिक करना और वो भी टेस्ट में क्योंकि टेस्ट में मैं हमेशा टेस्ट की इसलिए बात करता हूँ कि टेस्ट में आपको आउट करना पड़ता है आपको बैटमैन बैट्समैन के साथ पूरी तरह लड़के उसको आउट करना पड़ता है ट्वें टी ट्वेंटी में आप हैट्रिक करते हो तो वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है कि आखिरी तीन बॉल है वो उठा के मार रहे है या टेलेंडर है या कुछ भी और आप आउट करो लेकिन टेस्ट में हैट्रिक करना मैं उसको खुद हाईली रेट करता हूँ और आ, मेरे लिए प्राउड मूमेंट कि मैंने टेस्ट में किया अगर कोई और फॉर्मेट होता तो शायद उतनी खुशी ना होती जितनी मुझे टेस्ट की हैट्रिक की क्या मुझे फीलिंग आ रही है कि क्योंकि आपकी फैमिली पर्सनल फैमिली इतनी क्रिकेट से दूर है वो आपको बड़ी हम्बल रखती है यार

यकीन करे अगर अबू के सामने मुझे कोई मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी करे तो आगे से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अबू ने इतनी ऐसी तरबियत की हुई है कि मतलब सम टाइम ऐसे होता है कि यार आपको बहुत जल्दी होते कहीं जाने के लेकिन फैंस आ जाते हैं आप लेकिन अगर फिर भी मैं कहता यार एक मिनट को अबू पीछे से देख लिया ना कि इसने ये कह दिया कि अभी नहीं बाद में तो फौरन गुस्सा कर जाते कि यार क्या इससे पहले क्या थे किसी ने कोई पूछता था आपका या कोई थे जब मैं छोटा था मैं ये बात बार बार क्यों करता हूँ कि मुझे, मुझे वो चीज़ याद आती है कि मैंने एक प्लेयर को कहा था कि मेरे साथ पिक्चर लो वो बैटिंग कर रहा था तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि यार इस टाइम ये बैटिंग कर रहा है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मुझे पता नहीं था नहीं। अब अगर कोई बंदा मेरे पास आता है इस तरह टाइम था पर तो मुझे गुस्सा तो बड़ा आता है पर मैं सोच रहा हूँ यार जब तुम्हें नहीं पता था तो कितना अफसोस हुआ था अगर मैं अब इसको मना करता हूँ कोशिश मेरी ये होती बाकी इंसान है इंसान से गलतियाँ होती समाइम आपको यू नो गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो जाता या कुछ ऐसा होता है तो ये लाइफ में चीज़ें होती बाकी फैमिली वालों के सामने आप जिस तरह आपकी तरबियत हो ही होती है वो भी सी बात है वो चीज़ चेंज बहुत जल्दी तो नहीं होती उसमें बड़ा टाइम लगता है कि आप किसी चीज़ चेंज कर न तो अबू भी अभी भी कान से पकड़ लेते हैं अगर कोई भी यू नो थोड़ी सी कड़ छ दिखाई या कुछ भी तो अल्लाह का शुक्र है हम सब इंसान हैं और अगर अल्लाह ताला तला इज़्ज़त देता है या कुछ भी देता है और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि यार कभी मेरे से ये चीज़ ना कराए क्योंकि यार मैंने लाइफ में इंजरीज़ देखी हैं तो दो मिनट लगते हैं आपको मैंने ये हाथ ऐसे बांधा हुआ था अभी जो ये मेरी जो सर्जरी हुई थी तो मुझे ये भी एहसास आया कि यार तुम हो क्या एक एक टूथ ब्रश नहीं उठा सकते हो मतलब वो वो जो टूथब्रश करते हो ना आपको एक से तो निकालना होता है ना एक हाथ से अभी हाथ मेरा बंद था तो मैंने कहा यार ये इंसान है अकड़ किस बात के यार अगर आप ये टूथब्रश एक कल मैं रोहित शर्मा को आउट स्विंग कर रहा हूँ और आज जो है ना मैं टूथ टूथब्रश जो है ना वो नहीं खोल सकता हूं। तो ये इंसान है तो इसलिए इस इस ये चीज़ों से अल्लाह ताला सिखाता भी और लाइफ में आप इसी तरह सीखते रहते हो और जब इस तरह की आजमाइश आपके लाइफ में आते तो आप वैसे ही हम्बल हो जाते हो क्योंकि आप वो लाइफ देखते हो तो आपको ये पता चलता है यार अगर जिस इंसान का हाथ ना हो तो उसका वो किस तरह मैनेज करता होगा मैं यूट्यूब में सर्च करता था कि यार यू नो एक एक हाथ से कैसे ये काम कर सकते हैं एक हाथ से टी शर्ट कैसे चेंज कर सकते हो क्योंकि आप दोस्तों से तो हेल्प लेते हो लेकिन एंड ऑफ द डे आपको होता है कि नहीं यार हम मुझे तो ये होता है नहीं यार अगर मैं खुद कर सकता हूँ एक हाथ भी है तो कोई बात नहीं दो तीन चार पाँच छः महीने हैं ये भी टाइम है गुजर जाएगा तो मैं वो चीज़ ख़ुद करता था तो ये हम्बल जब आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती तो होते हैं और अगर आपको कामयाबी मिलती जाती मिलती जाती तो आपको तो वो चीज़ का एहसास ही नहीं कि यार ऐसे भी हो सकता है लेकिन दो मिनट लगते हैं आपको गिरने में तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद होती है कि यार मैं यहाँ से आप लोग को इंटरव्यू दे रहा हूँ निकल के मेरा कोई पता नहीं कि मेरा क्या होता तो आप लोगों से मैं ऐसी बात करूँ कि जाते हुए एटलीस्ट बुरा तो ना कहे एटलीस्ट ये कह यार ये इंसान अच्छा था इसने अच्छी बातें की अगर मैं आप लोगों को एक कर देगा ये वो और आप लोगों के मुँह से ये निकल गया कि यार क्या इंसान था यार इतना एटीट्यूड में और मैं जाके ख़ुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो आप लोग क्या बात करेंगे और वही बात कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत इंसान जब गवाही देते कि यार इंसान अच्छा था ठीक है तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते क्या बात है सो so, कोशिश ये होती बाकी यार इंसान है भी गलतियाँ होती ये नहीं नहीं कि होती बट उस पर कोशिश करते कि अपने गलती पे अल्लाह से माफी हमने सुना है के बारे में कि जब वो पीक पे होते हैं तो आस बहुत लोग आ जाते हैं हर है बंदा आपका फैन बन जाता है कुछ आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है लेकिन जब इंजरी होती है जब डाउन मोमेंट होता है तो जो भी आसपास के लोग होते हैं वो चले जाते हैं आपके इसमरा की स्टोरी थी हाँ आप अभी आपकी जो इंजरी हुई वाली तो इस इंजरी के टाइम में आपके कौन कौन सा आता कौन कौन करीब था कौन कौन, कौन, -कौन आपसे इन टच में था इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी पहली इंजरी नहीं थी आ, मेरे बैग में चार फ्रैक्चर हुए थे आज से पाँच साल पहले और डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि अब आपका क्रिकेट मुश्किल है मेरे पास क्रिकेट के अलावा कुछ था ही नहीं मुझे और कुछ समझ नहीं आती थी कि यार क्रिकेट के अलावा भी कुछ होता है लेकिन जब ऐसे टाइम होता है ना असली इंसान मिलते हैं आपको असली दोस्त मिलते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आपकी लाइफ उस स्टेज से आप निकलते हो तो आपके लिए हम लाइफ बहुत आसान हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन ऐसा एक टाइम होता है कि आपको जो ओरिजिनली इंसान होता है ना अंदर से एहसास वाला और दर्द जिसमें और जो आपका सच्चा दोस्त या सच्चा फैमिली मेम्बर जो भी वो आपको उस टाइम पर आपका हेल्प करता है तो ऐसे आप नहीं कह सकते कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो मेरे लाइफ में उन्होंने हेल्प नहीं की हाँ मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं कि यार जब मैं फिट होता हूँ जब मैं खेलता हूँ जब मैं खुश होता हूँ वो नहीं पूछते जब मुझे कुछ हो जाता है तब वो आ जाते हैं इस तरह के बहुत सारे लोग इस तरह के भी लोग मिल जाते हैं हाँ परसेंटेज थोड़ी कम होती है कामयाबी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जब आप इंजर्ड होते हो हाथ आपने पकड़ा हुआ है केला रे नियो सेलिब्रेशन चिक्के चुके हाँ नहीं रे तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको उसके बावजूद भी आपको सपोर्ट करते हैं आपके लिए दुआएं करते हैं सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ते जो मर्जी हो आप उनके लिए आप वो हो कि एक एक सेहतमंद इंसान उनको चाहिए होता है उनको ये नहीं चाहते कितना बड़ा क्रिकेटर बन गया या नहीं बना तो वो होते हैं बाकी इक्का दुक्का ऐसे दोस्त होता है जो आपको मुश्किल टाइम में इन्होंप आपका साथ देते हैं तो ये जो मुश्किल टाइम होता है जिस तरह मैं बात करता हूँ कि इंसान हम्बल भी होता है और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह तला इंसान को सिखाता है और फिर स्ट्रॉग बन के फिर बहुत आगे जाता है क्योंकि एक तो अल्लाह ताली आपके बड़े टेस्ट ले रहा होता है वही बात है कि दोस्त फेम एकदम से सारे साइड पे हो जाते हैं फिर आपका असली टेस्ट होता है कि आप कौन है तो उसमें अल्लाह ताला आपको अच्छे लोग भी दे देते हैं और फिर अल्लाह ताला वो उस इम्तिहान से निकाल के ताला बहुत सारी चीज़ें आपको देता है क्योंकि ये तो एक टेस्ट है ना अल्लाह ताला के टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला तो देते हैं ना आपको अरे आपके बीच में एक बड़ी मज़े की फोटो वायरल हुई थी आपकी जब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने गए थे तो लोग कह रहे हैं कि यार उस वक्त जो ना हम अगर थोड़ा सा समझ जाते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं नसीम तो हमें पता चल जाता कि यूनाइटेड यूनाइटेड से युनाइट तक का सफर है उसका बताया थोड़ा कैसा रहा आपका वो या। यार वो अच्छा सफर था वो तो मैं एक फुटबॉल मैच खेलने गया था क्योंकि रिहब में तो सुबह शाम रिहब कर कर के ना दिमाग फारिग हो गए थे तो फुटबॉल का एक मैच था तो फिर उन्होंने एक तस्वीर जो उन्होंने पोस्ट किया था तो ज्यादातर लोग तो ये कहते थे कि इस्लामाबाद वो ये मानचेस्टर यूनाइटेड का ओनर है यार और वो भी सऊदी अरब का तो अब मुझे भी लोग आके पूछ रहे हैं वहाँ पे एक जहाँ पे मेरा रियब हो रहा था तो वहाँ पे कुछ दो गोरे प्लेयर्स आए हैं फुटबॉलर तो कह रहे कि यू आर द ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं मैं ओनर होता था, था मैं इधर रियब कर रहा होता मैंने कहा अभी मैं सऊदिया में होता कोई बादशाह होता अभी इस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर तो वो था आ, मैच इन्जॉय किया और बस फिर आ गए फिर ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी यू नो जॉइन पहले से प्लान नहीं था ये तो नसीब की बात होती है आपका जिस टीम में नसीब लिखा होता है तो आप आ जाते ड्राफ्ट की थोड़ी कहानी बताएँ क्योंकि आप पहले डेढ़ हो गए थे बहुत सारी टीम्स आपके पीछे थी और आखिर में आपने ये बोला था कि आपकी खुद की चॉइस थी कि आपने इस्लामाबाद आना है तो इस्लामाबाद में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको कन्विंस किया यार इस टीम ने मुझे खेला नेक्स्ट देखो सबसे पहले मैं तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पी एस एल की रूल्स है कि जब भी कोई प्लेयर दूसरी टीम के साथ वो क्या कहते हैं उसको तांस्वर? हाँ जी ट्रेड? जो ट्रेड? भी है हुँ. ट्रेड ट्रेड जिसको ट्रेड कहते हैं उसमें ना प्लेयर की मर्जी सिर्फ नहीं होती उसमें टीम की मर्जी होती है या तो वो आपको ड्रॉप में भेजेगा या आपको और टीम दोनों की खुशी होगी और जो टीम आपको ले रहे उसकी भी खुशी होगी तो ये जितना कुछ बीच में बना था तो इसमें ये नहीं था कि मैं चाह रहा था कि यार नहीं मुझे इस टीम में नहीं जाना मुझे इस टीम में नहीं जाना देखे हॉनेस्टली बताऊंगा सारे पाकिस्तान के टीमें और सब टीमों में हमारे अपने दोस्त अपने पाकिस्तानी प्लेयर जिनके साथ आप यू नो बड़ी अच्छी दोस्ती है सब वहाँ पे खेलते हैं आप किसी टीम के लिए ये नहीं कह सकते हो यार मैं यहाँ से नहीं खेल सकता यार या यहाँ या से नहीं खेलना दोनों टीम की मर्जी होती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैसे मैंने पहले भी सुना है आप हमेशा वही वाली बात है कि जो आपकी किस्मत में होती है और मैंने जैसे बात की कि अच्छी कंपनी अल्लाह ताला मुझे नसीब कर देते तो इस्लामाबाद के बारे में मैंने हमेशा अच्छा सुना है और यूनो जब वहाँ उन उनके साथ बात अच्छी बन रही तो मैंने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे बिल्कुल पसंद है अच्छे लोग हैं ज़बरदस्त उनका ड्रेसिंग रूम माहौल होता है तो बिल्कुल आई एम हैप्पी और इन, इनके जो मोटो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो ये है कि वो एज अ फैमिली चलते हैं आपको भी तो कोई फील आई है क्योंकि हमें तो कल कैंप में ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ मतलब बॉयज हैं सब हंसी मजाक कर रहे हैं ट्रेनिंग भी सीरियस हो रही है लेकिन इजी सा एक माहौल था मजा यही था। तो यही तो चीज़ होती है आपको क्रिकेट में आपको ना माइंड बहुत रिलैक्स चाहिए होता है तभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो फैमिली जो इन्वामेंट जिसको कहा जाता है वो इसलिए होता है कि जहाँ पे जितना आप रिलैक्स होके खेलते हो तो वहाँ पे उतना अच्छा ही आप परफॉर्म कर जाते हो तो आई थिंक हर प्रोफेशनल प्लेयर को इसी तरह का इन्वॉलमेंट चाहिए होता है और जहाँ पर फिर यूनिटी और जहाँ पर फिर यू नो कंपटीशन की बात आ जाती है तो वहाँ पे वह भी सी बात है, अपना फ़ाइट कर देते हो लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड होगा जो आगे दो महीने आ रही हैं कोई फैमिली कुछ भी नहीं होंगे जो हमारे असली वाली फैमिली है वो नहीं होंगी हमारी यही फैमिली है

इन पाँच में से आप तीन को मैच आउट कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में और बाबर कुछ मेरे खाते नेट्स में आप बहुत ज़्यादा आउट कर चुके होंगे विराट कोहली को आप आउट करने वाले थे थोड़ी सी अपनी यादें शेयर करें अपने टीम इंडिया डेब्यू के दुबई में मैच था अगेंस्ट इंडिया एशिया कप का शाहन इंजर्ड था आप फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे क्या मेमरीज आपकी अच्छी मेमरीज थी डेब्यू मैच था अगेंस्ट इंडिया और आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए आई थिंक पूरे वर्ल्ड में से सबसे जो टॉप का मैच निकालो तो क्राउड के लिहाज से और इंटेंसिटी के लिहाज से वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और वो मेरा डेब्यू मैच था मैं पहले मैच था तो एक तो डेब्यू था ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा नर्वस होते हो क्योंकि पहला ही मैच होता आपका लेकिन मेरी जो सबसे अच्छी बात थी कि मैं उससे पहले काफ़ी क्रिकेट खेल चुका था टेस्ट क्रिकेट में खेल चुका था उसका एक्सपीरियंस आप ले लेते हो उसके अलावा मैं वनडे सीरीज एक खेल चुका था तो वो एक्सपीरियंस मेरे पीछे था लेकिन फिर भी डेब्यू का मतलब डेब्यू है आपका पहला मैच है टी ट्वेंटी और वो भी इंडिया के अगेंस्ट तो अच्छा अच्छा रहा मैं अपनी यू you नो know, फुल एफर्ट uh, दी और विरात कोहली जब बैटिंग के लिए आता तो मुझे ताकि यू नो ये हार्ड आएंगे तो मैंने इसको एक कैंसलिंग किया कि यार हो सकता है वो पैड वैड पे लग जाए तो उन्होंने लेफ़्ट कर दिया मैंने कहा अब ये हार्ड आएगा तो मैंने उसको थोड़ा सा ड्राइव लेंथ से बाहर निकाला स्लिप लगा लेकिन वो थोड़ा सा जो भी था कैच हो गया <laughs> आ, लेकिन ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि जब इस तरह की डेब्यू आपकी होती है बड़ी टीम के खिलाफ और यू नो स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ और बहुत बड़ा प्रेशर मैच होता है तो बाकी फिर आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है आपको बॉडी को भी कि हाँ यार वो डेब्यू मैच था पहले था मैच भी दूसरा है और टीम भी थोड़ी सी क्राउड के लिहाज से भी और सारे लोग यू नो ऐसे नहीं देख रहे भाई यार आज ही करना है <laughs> तो वो चीज़ थोड़ा सा होता है यार हमने बहुत सुना है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ कि यार इंडिया का मैच वाकई बहुत प्रेशर वाला होता है आपका डेब्यू था वो वो मुझे जो डिस्क्राइब करके बताएंगे कि वो प्रेशर होता क्या है लाइक like इंटरनली होता है या क्राउड का होता है या बस क्योंकि मीडिया पिछले दो हफ्ते से उस मैच के बारे में इतना बोलता है कि बंदा पागल ही हो जाता है यार मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी फैमिली में अब किसी को क्रिकेट की इतनी अवेयरनेस नहीं है मेरी दादी जिन्होंने आज तक टी नहीं देखा और उनके जब आपको कॉल आती है कि इंडिया से जीतना <laughs> तो आप खुद इमेजिन करें कि कितना बड़ा मैच होता है प्रेशर का मैच होता है ठीक है और इनको ये भी नहीं पता भाई जो भी मैच है बस जीतना है तो बात यह कि ये प्रेशर होता है और इसी तरह इंडिया से भी होता है और दोनों पे प्रेशर होता है दोनों टीमों पे प्रेशर होता है तो इतना एक बड़ा मैच होता है तो आप यहाँ से इससे बड़ा मिसाल तो मैं दे नहीं सकता हूँ कि आप बाकी लोगों के अंदाज़ा लगाए जिनको क्रिकेट की समझ हो और फिर जहाँ पे मैच होता है तो ग्राउंड में ऐसी जगह नहीं खाली होती मुझे याद है मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सॉरी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ जब हमारा मैच हो रहा था तो बाबर आजम मुझे मतलब इतनी जगह से मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी इतनी पे शोर थी एक लाख से ऊपर क्राउड और सारे इतनी फोकस के साथ सारे बैठे होते हैं एक एक बॉल एक एक मोमेंट जो है ना वो याद रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों तरफ से दोनों नेशन से इतने फोकस से मैच देखा जाता है तो दोनों कहते हैं कि यार हमने जीतना है तो प्रेशर तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो आता है उसी उसी वर्ल्ड कप में जो फाइनल मैच था आपका स्पेल बहुत जबरदस्त स्पेल था मतलब मैंने अपने क्रिकेट वॉचिंग

जब आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना हो दो ओवर ही होते हैं दो ओवर का स्पेल होता है टी में अब टेस्ट क्रिकेट होता है बचते 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 अगले स्पेल में आ जाते हो या चार पाँच इसमें और वो चार पाँच बॉल इतने क्लोजली बीट हो जाए तो और आपको ना वो गुस्सा आता है लेकिन एंड ऑफ द डे आपने अपनी यू नो बेस्ट और डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होती है और इवन मैं बेन स्टोक से पूछा भी है कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन वो खुद भी पूछ रहा था कि डोंट नो <laughs> तो बात ये कि समटाइम ऐसे होता है कि आप बेस्ट बॉलिंग कर रहे होते हो लेकिन आपको विकेट नहीं मिल रही होती और मैं उस चीज़ पे यू you नो know, इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता कि आपको विकेट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते विकेट मिली या ना मिली मेरा ये कोशिश होता है कि यार मैं बेस्ट बॉलिंग करूँ क्योंकि बेस्ट बॉलिंग करो तो आप सारी दुनिया को नजर आती हैं एक आउट करना पाँच आउट करना और एक अच्छी बॉलिंग करना आप अगर सही क्रिकेटर से पूछेंगे या बेस्ट बॉलर से पूछेंगे आपको बता देंगे कि यार आज इसने पाँच आउट किए लेकिन बॉलिंग ये वाली बेहतर थी जिसमें विकेट नहीं मिली सम टाइम आप अनलकी रहते हो तो मैं मेरी बॉलिंग का तो हमेशा ये होता है कि यार अगर मैं ऐसा आउट भी कर लेता हूँ जिसमें मैं समाइम पाँच आउट करूँ लेकिन मैं जब वापस ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तो मैं खुद को मास्क देता हूँ या रात को भी सोने से पहले कि यार हाँ मैंने आज पाँच तो आउट किए लेकिन बस मिल गए और कुछ टाइम मैं दो आउट करता हूँ एक आउट करता हूँ पर मुझे अपनी बॉलिंग से सेटिस्फाइड होता हूँ कि हाँ यार आज मैंने बेस्ट बॉलिंग की है मुझे विकेट नहीं मिली मैंने लग की रहा लेकिन आई डिड माई बेस्ट और और सही जगह पे और हाँ दिमाग भी यूज़ किया मेरे लिए जो ना सबसे बेस्ट मेमोरी जो एक्सपेक्टिंग थी हम लोग क्लिनिक गए हुए थे और मैं फ़ोन पे जो है ना मैच देख रहा था और मैं वाइफ के साथ बैठा हुआ था सेकंड ओडिया था अगेंस्ट अफगानिस्तान और आप बैटिंग पे थे और मैं अपनी वाइफ को समझा रहा हूँ वो भी ऐसी ही है मतलब उनको क्रिकेट से कोई इतना लगाव नहीं जबकि हमारा पूरा पॉडकास्ट है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मैं बता रहा हूँ वाइफ को कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस बंदे ने पहले भी जो है ना दो छक्के मार के पाकिस्तान को जिताया है ये बहुत क्रूशल है तो वो वो कह रही थी कि आप तो ऐसे कहते रहते हैं पता नहीं क्या एज लगता है चार होता है और जो मैंने चीख मारी है मुझे क्लिनिक से निकाल दिया बाहर भाई अकेले बैठी हुई पाँच मिनट तक वो मुझे जरा मोमेंट बताएं कि फॉर मी मेरे लिए तो एक ऐसी मोमेंट है कि मैं अपने बेटे को बताऊंगा बाद में कि यार ये देखो हम लोग क्लिनिक में बैठे हुए थे और नसीम भाई ने यह किया था आपके लिए ऐसा क्या ट्रिगर है यार कि जब अफगानिस्तान सामने अपोजिंग में होती है तो छक्के भी लग जाते हैं और अल्लाह आपका इतना साथ देते कि एडिज पे चौके भी लग जाते हैं देखिए बिलीव की बात होती है एक सही बात बताओ तो मेरे दिमाग में एक टाइम पे ये भी आया था कि यार ठीक है सेम बॉलर था बारह रन चाहिए थे लास्ट विकेट था वो चक्के तो लग गए लेकिन ये चीज बार बार नहीं होता तो वो एक निगेटिविटी आई मेरे दिमाग में फिर मैंने सोचा यार कि हो भी सकता है यार अब सारे लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नसीम शाह है वही बॉलर है तो कर जाएगा पर अंदर अंदर से सोच रहा हूँ भाई हर दफा नहीं होता है अच्छा ये, ये, ये ना हो, जो क्रीज पे खड़े थे तब आपके दिमाग में डाउट आया था पर मैं सोचा कि यार जिस तरह वो ट्राई किया था देखो एक बॉलर के लिए वह भी सी बात है लास्ट में आना प्रेशर तो उस पर भी होता है और ऊपर से अगर मैं उससे पहले ना वो कर जो पहले मैंने चेस किया था वो ना कर रहा होता तो फिर कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा होता लेकिन लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये करेगा तो उस चीज से बिलीव आई यार एक दफा किया तो दोबारा भी उस तरह ट्राई करो और एक प्लेयर ट्राई से ज्यादा क्या कर सकता है तो इनशाला कर जाओगे तो वो बिलीव था तो मैंने कहा यार सेम बॉलर है ठीक है बाकी अल्लाह मालिक है किधर किधर बॉल करेगा मैंने तो घुमा देना है <laughs> बाकी जो होना है देखा जाएगा तो ये बिलीव था और जब आपका बिलीव होता है अपने ऊपर तो आप कर जाते हो लेकिन जहाँ पे निगेटिविटी आपके दिमाग में कोई यू नो नेगेटिव चीज आ जाती है तो वहाँ पे बाकी आपको यू you नो know, आपको पीछे ले जाते हैं लेकिन जब बिलीव होता है तो ये चीज मैंने सीख लिया गया आपका बिलीव होता है ना तो आप कर जाते हो आप यू you नो know, आपको इतनी बैटिंग ना भी आती हो और आप बिलीव करके बल लगे होते हो अल्लाह ताला साथ दे देता सही बात अगर हम वापस जाएं इस एशिया कप वाले मैच में आपने उस दो छक्के मार के तकरीबन डेढ़ बिलियन लोगों के दिल तोड़ दिए वो okay, कि इंडिया बाहर हो गया था अफगानिस्तान बाहर हो गया था एशिया कप से तो आप जब क्रीज पे मौजूद थे उस वक्त वो आसिफ अली और उस बॉलर की थोड़ी सी डराई हुई थी फिर जो आपने बैटिंग की आपकी बॉल टू बॉल क्या मेमोरीज है उस मैच को लेकर यार ये बात तो ऐसे मैं बहुत दफ़ा यू नो कर चुका हूँ बॉल देखें किसी भी टैलेंडर के लिए लास्ट में उस मोमेंट पे आना उस पे प्रेशर भी होता है और नो एक्सपेक्ट कि यार ये कर सकता है तो मैं तब खुद से भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हाँ ये हो सकता है बस मैं क्या चलो ट्राई कर लेता हूँ पर जब क्राउड में आप देखते हो ना एक नज़र तो आपको लगता है यार कि बस हर जगह मायूसी चाहिए हुई है भाई कोई जाहिर सी बात है कौन आप आप लोगों से मैं पूछता हूँ किसी के दिमाग में था कि यार ये भी मार देगा क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो किसी का बिलीव नहीं था मेरे भाई ने मुझे कहा कि हम लोगों ने कहा कि यार मैच ख़त्म हुई तो इसी तरह सारे थे तो फिर एकदम से जब अल्लाह तला ने आपसे कुछ लेना होता है आपने उसके लिए कोई मेहनत की होती है हार्डवर्क की होती है तो दिमाग में बिलीव भी आ जाता है और मेरा आया बिलीव कि यार मैंने अपनी फुल कोशिश करनी है बाकी हो ना हो वो रिजल्ट का नहीं सोचना बस आपने बेस्ट कोशिश करना है तो वो यू you नो know, बिलीव बन गया था और फिर से ज्यादा भी क्या बताऊं आप लोगों को पता ही है सारा हिस्ट्री <laughs> आपका जो छक्के मारने के बाद जो अग्रेशन था वो बहुत नेचुरल था लगा फिर पूरी टीम ग्राउंड पर आ गई थी दिल बड़ा मोमेंट था वो देखे अक्सर ये सवाल होता है कि यार आप अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों किया भाई अगर मैंने ऐसा चेस जंबावे के खिलाफ भी किया तो मैं तो मतलब नेचुरली एक चीज हो जाती है आपको खुशी होती है क्योंकि आपने आ, लास्ट विकेट में आप आके आप मैच फिनिश करते हो तो आपको थोड़ी पता होता है कि यार आपने ये सोचा होता है कि मैं फिनिश करके इधर भागूंगा वो चीजें नेचुरल होती है तो मैं वो किसी टीम के खिलाफ भी करूँगा तो वो शायद चीजें नेचुरल हो ही जाए और फिर डिपेंड करता है कि मैच किस तरह हो रहा होता है जब मैच में थोड़ा ऊंच नींच हो रहा होता है और फिर आपको पता होता है कि यार ये जीतवा दिया तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली नेचुरल सी वो आपकी जो एग्रेशन और सेलिब्रेशन है वो आ जाती है तो आई थिंक वो सब नेचुरल होता है कोई प्लेन नहीं किया होता अगर प्लेन किया होता तो इस तरह थोड़ी होता है कि मैं फिनिश करूंगा फिर तो नेगेटिव चीजें भी आती है अगर नहीं फिनिश किया तो उसने विकेट निकाल के मेरे पीछे आ जाना है <laughs> तो ये बस ये कि लास्ट मोमेंट पे एक टेलेंडर के लिए बड़ी बात होती है कि वो मैच जितवाएं क्योंकि पूरे मैच का रिजल्ट आखिरी कुछ बॉलों पे होता है और पूरी दिन का जो मेहनत था वो आखिरी दो बोलो पे आ गया था सो यू नो फिर आपको वैसी खुशी होती एक दफा आपका एक आप बैटिंग करते न्यूजीलैंड में विद मोहम्मद अब्बास आपने कहा था कि अब्बास भाई सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई है तो आपने दिखाया विद टाइम कि आपने जिम्मेदारी ली है और निभाई भी पूरी तरीके से यार अक्सर हमारे जो कोचेस होते थे ना हमें मिसाल देते थे कि यार हमारे जो पहले टेलेंडर्स बैट्समैन होते थे तो इतना स्टे नहीं करते थे मतलब जैसे सात आठ आउट होते थे तो यार बस यू नो जल्दी जल्दी आउट हो जाते थे और मेरा ये बिलीव है उस टाइम से कि हमें बहुत प्रैक्टिस कराते थे और आ, मैं ये समझता हूँ कि मैं एज अ बॉलर अगर आठ आउट है और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और वो मुझसे आउट नहीं हो रहा तो मैं मैंटली बहुत गिर जाता हूँ कि यार आठ आउट कर लिए हैं मेन बैट्समैन आउट कर लिए हैं अब ये नहीं आउट हो रहा और वो अगर बीस चालीस रन कर देना वो बंदे को सही गिरा दे पूरी टीम को गिरा देते तो उस टाइम से मेरे दिमाग में याद है कि यार टेस्ट में हमने करना ही क्या है बैट्समैन साथ खड़े बस को स्टे करना है और हाँ। अगर बैट्समैन नहीं भी करना खड़ा हुआ है तो आप अगर मैच ड्रॉ कर सकते हो किसी तरह वो भी आपके लिए वन है कि अगर आप लास्ट विकेट पे आते हो बीस पच्चीस ओवर चाहिए और आपने पच्चीस ओवर रोक दिए तो ये क्या होता है इससे दूसरा टीम गिर जाता है जैसे अगर मैं एज अ बॉलर मैंने जब ये सोचना स्टार्ट किया कि यार हाँ मैं किस तरह गिरता हूँ तो बॉलर का क्या हाल होगा या दूसरी टीम का क्या हाल होगा तो उससे आगे मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की कि यार अगर आखिर पे मुझे रोकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोकूँगा और मारने के तो वो तो फिर वैसे भी अल्लाह का नाम लेके मार देते लग गया तो लग गया नहीं तो

वो वाकई वन टिप पे कर दे, मैंने कहा बस वन टिप पे खेल तो उससे क्या होता है वो दूसरी टीम गिर जाती है यार नाइन आउट करती है और एक घंटा इसने बैटिंग कर दी है दो घंटे तो ये चीज अभी अब जो हमारे जितने भी आप देखो जो टेल हमारे हैं वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं शहीन माशाल्लाह तो यू you नो know, काफी आगे आता है अच्छी बैटिंग कर लेते तो मेहनत के साथ आए है पहले अगर आप स्टार्ट में देखो तो इतने अच्छी तो बैटिंग नहीं करते थे मैं खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार को जब पहला बॉल खेल रहा था तो मेरा सर उधर था फिर इधर किधर था, एक था बॉल, थी बॉल, थी लस, बॉल था बॉल भी बॉल ही मुझे नजर आया था <laughs> बॉल का नजर आया था वो मुझे अजू भाई के साथ खेला था इंग्लैंड में अजहर अली के साथ तो बोला है कि मैंने बोला अजू भाई आप तो बैट्समैन है आप मुझे ये बताया कि मुझे ना बॉल सही तरह नजर नहीं आ रहा तो मेरे से चेक नहीं होता कि शॉर्ट पिच है है कि 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 आगे है। तो उसने उसने बोला कि यार आप ऐसे करो कि हाथ को देखो ये हाथ को देखो जैसे रिलीज करेगा ना आप इसने अब बैट्समैन अपने हिसाब से देखते अब मैं हाथ को देखता देखता वही वो सीधा मेरे पैर पे लगा <laughs> <laughs> मैं कहा जो मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे तो लगा शॉर्ट पिच बॉल है उसने तो मारा था हाँ। मेरा नहीं नहीं तो मैंने कहा बैट्समैन का डिफरेंट होता है तो ये था कि वो एक टाइम था कि जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मतलब दो तीन बॉलों के लिए भी नहीं रुक सकते थे तो फिर ये था कि साथ साथ बैटिंग की थोड़ी तो सी बैटिंग पे काम की थोड़ी तो बहुत तो ये काम आता है आपके आज सुबह में उठा तो मैंने मेरे ट्विटर पे देखा कि आपने कोई क्यू लीग में ओपन चले गए आप तो क्या हम नसीम शाह के ट्रांजिशन देख रहे हैं टू एन ऑलराउंडर यार मेरी बात सुनो बहुत बिलीफ की बातें हो रही है लेकिन वो बहुत ही कमजोर टीम थी अच्छा। <laughs> बात ये है कि तब भी 70 मारोगे 50 हॉट बॉल पे यार ओपन देके इस तरह की क्लबों में आप बैटिंग करते हो तो देखो बॉलर जैसे भी हो स्लो तेज हो स्पिनर भी लेकिन आपको थोड़ी सी ना रन बनाने की थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है यार आपको ग्राउंड के अंदर खेलने होते हो तो आपको थोड़ा बहुत पता चले हाँ यार कैसे यू नो रन लेने यार उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी बाकी ऑब्वियस सी बात है क्लब और यू नो पी एस एल या इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क है लेकिन हाँ आपको वो प्रैक्टिस मिल जाती है तो देखो कोशिश तो करते हैं अब लेकिन मेरा बैटिंग पर इतना फोकस नहीं है जितना टाइम मिलता है वो कहता है मेन जो मेरी चीज़ है वो बॉलिंग है क्योंकि जब आप दोनों को फोकस दे देते हो तो यू नो आधा आधा रह जाते हो तो आधा आधा वाला हिसाब मेरा नहीं है तो हाँ थोड़ा बहुत जब भी काम हो तो सही है नहीं तो बस बॉलिंग ही सही आपके लिए ये आने वाला पी एस एल कितना कितना इम्पोर्टेंट है कि सबकी नज़रें आपके पर होंगी कि आपकी रिहा कैसी गई आपकी पेस वापस आ रही है नहीं आ रही है फिर इस पी एस एल से आपकी टीम में वापस कम भी हो सकता है ऑनस्टली लोग आपको मिस कर रहे हैं यार बहुत टाइम हो गया देखिए यार मैं आपको एक बात बताऊं कि हर चीज़ को टाइम लगता है ये नहीं है कि मैं अगर पी एस एल में पहला मैच खेल रहा हूँ और आपने ऑब्वियस ही बात है मेरी फिटनेस मेरी हर चीज़ हंड्रेड परसेंट है ठीक है लेकिन छः महीने आपने मैच नहीं खेला होता कोई भी यू you नो know, प्रेशर का गेम तो थोड़ा बहुत टाइम आपको लगता है उसको एडजस्ट होने में ये नहीं है कि आप कह लो कि यार आप इसके आगे भी छः आठ महीने साल लगते हैं हाँ लेकिन थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है कि प्रेशर मैचेस आप खेलते हो आप पे सिचुएशन आती है वो दोबारा से वो प्रेशर वाली तो उसमें आपको टाइम लगता है तो आप जिस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि आप सारा डिपेंड ही यू नो आपने करने के बस हाँ अगर इसने कर दिया तो ठीक है बट ये चीज़ मैं कहता हूँ कि मुझे ये ने नेगेटिव नहीं लगती कि यार मैं ये कहता हूँ कि हाँ वो प्रेशर मैच में छः महीने से नहीं खेला हूँ तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है वो एडजस्ट होने में दोबारा से वो प्रेशर मैच खेलने में बाकी आप अपने तरफ़ से अगर मैं क्लब के मैच की बात करूँ या अगर मैं कहीं पर भी प्रॉपर मैच की बात करें तो वो मैं खेला हूँ लेकिन प्रेशर मैच 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 एक एक डिफरेंट डिफरेंट होता है और एक मैच जो है ना वो डिफरेंट होता है 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 और आम जो ना वो नहीं नसीम का, ये यार ये पे होता है, लेली आप शदाब <laughs> से पूछेंगे इन्होंने क्यों रखा वो कह रहे थे आपकी बॉलिंग एक्शन मिलती है कोई पुराना फास्ट डेनिस लेली तो उनके साथ मैंने कहा बड़ी मेहरबानी इतने बड़े बॉलर के साथ आपने तो वो तो वहाँ से हाँ है। है। नहीं नसीम लिली शाह थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपके साथ बड़ा मज़ा आया बॉलिंग करते हुए आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मज़ा आता है आई आई होप लोगों को पता चला कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी फनी है और कितनी मतलब आजजी है आपके चलने फिरने में और वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया जो आप कह रहे थे बात और मतलब आपके वालदेन को उसका क्रेडिट जाता है कि आपको जिस तरीके से उन्होंने रेज़ किया है और मैं भी दुआ करता कर कि मेरा बेटा भी आपकी तरह मेरे तरह ना बनाओ बड़ा मुश्किल है थैंक यू वेरी मच थैंक यू